हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ कोलोइडल सोल्ट। की प्रिपरेशंस जो है वो कैसे होती है। तो जो कोलोइडल सोल है, मैंने आपको बताए थे, देखो कि ये दो तीन टाइप के हमने डिस्कस किए हुए थे, थ्री क्लासिफिकेशन में किया हुआ था। उनमें से एक कोलोइडल सोल हमने किया हुआ था, देखो लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल, ठीक है। तो ये जनरल से टाइप के मेन टाइप जो है यही है इनकी, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल की है। तो जो लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल होते हैं वो मैंने आपको बताया था। लायोफिलिक क्या होते हैं, लिक्विड लविंग या लिक्विड अट्रैक्टिंग, जिनमें एफिनिटी जो होगी वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ग्रेटर एफिनिटी। और जो लायोफोबिक सोल होते हैं उनकी एफिनिटी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। लायोफोबिक, लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हीटिंग। तो लिक्विड हीटिंग सोल होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, लायोफोबिक सोल होते हैं। उनमें एफिनिटी जो होती है डिस्पर्स फेज की डिस्पर्शन मीडियम में वो बिल्कुल ही कम होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो जो लायोफिलिक सोल होते हैं, मैंने आपको एक और चीज बताई भी थी, जो लायोफिलिक सोल होते हैं वो बाय डायरेक्ट मेथड से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम इंट्रिंसिक सोल भी बोलते हैं। और लायोफोबिक सोल जो थे वो इनडायरेक्ट मेथड से ही फॉर्मेशन होती है उनकी। तो जो लायोफोबिक सोल है वो इनडायरेक्ट मेथड से बनेंगे और लायोफिलिक सोल जो है वो डायरेक्ट मेथड से बनते हैं। लायोफिलिक सोल मतलब डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो हम नॉर्मली लायोफिलिक सोल कौन कौन से, देखो स्टार्च सोल हो गया हमारे पास, और जेलेटिन सोल हो गया, ऐसे ही सेलुलोज प्रोटोन प्रोटीन के जितने भी सोल्स होंगे वो नॉर्मली क्या बन जाते हैं हमारे पास, बड़ी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। एक एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास, देखो वो सोल आ जाता है। तो स्टार्च का सोल कैसे बनता है, देखो वाई डायरेक्ट हम क्या लेते हैं, देखो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, है ना, उसमें क्या कर देंगे, धीरे धीरे से थोड़ा सा स्टार्च डालते रहेंगे और उसको शेकिंग करते रहेंगे, ठीक है, उसको शेक कर देंगे, ठीक है। शेक करने से ही क्या बन जाता है, स्टार्च सोल जो है वो बन जाता है डायरेक्ट वाई शेकिंग से ही, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल जो है वो डायरेक्ट मेथड से वाई सिंपल शेकिंग से ही बन जाते हैं, या कभी कभी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डालना पड़ता है तो करके ही हमारे पास लायोफिलिक सोल जो है वो बन जाते हैं। तो जनरली सोल की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट जो हम करेंगे देखो वो कौन सा मेथड होते हैं हमारे पास, एग्रीगेशन मेथड, ठीक है, एग्रीगेशन मेथड होता है, या हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है, और केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड एक ही चीज है ये, ठीक है, और केमिकल मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो मतलब इन दिस, देखो एग्रीगेशन मेथड और केमिकल मेथड से, ठीक है, कोलोइडल सोल, आगे लिखना आपने देखो, कोलोइडल सोल सोल can be prepared why chemical reactions such as, कौन कौन से मेथड होंगे देखो, such as first हमारे पास देखो a part में double decomposition से बन जाता है, ठीक है, double decomposition, डबल डिकम्पोजिशन से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे देखो कौन सा सोल है हमारे पास, आर्सेनिक As2S3, यहां पे ऑक्साइड लेना है देखो, ये As2O3 और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, H2S, ठीक है। इनको As2O3 प्लस H2S को यदि हम ट्रीट करते हैं, देखो यहां से डबल, यहां पे लिखना आपने देखो डबल डिकम्पोजिशन की हमने इसकी, डबल डिकम्पोजिशन As2 आर्सेनिक ऑक्साइड जो है, यहां पे आर्सेनिक और सल्फाइड का सोल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है As2, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 और प्लस क्या बन जाता है हमारे पास,
H2O, ठीक है। यदि आप इसकी वैलेंसिंग करेंगे देखो तो यहां पे क्या जाता है हमारे पास AH2O3 आ गया, ठीक है। यहां पे 2 कर दो और यहां पे क्या आ गया हमारे पास 3 AH2 2, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास ये क्या बन गया कोलाइडल सोल, इसकी फॉर्मेशन होगी, दिस इज द कोलाइडल सोल बाय डबल डिकम्पोजिशन। सेकेंड मेथड है वाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से भी कोलाइडल सोल की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन में हम क्या लेते हैं देखो, यदि हमने सल्फर का ही सोल फॉर्म करना है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लिया और इसको किसमें डाल देंगे देखो H2S इसमें, ठीक है, H2S के साथ रिएक्ट कर देंगे। तो जब हम H2S के साथ रिएक्ट करेंगे यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद यहां पे क्या बन जाता है हमारे पास सल्फर सोल S, ठीक है। यहां पे लिखेंगे आप सल्फर सोल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और प्लस नेक्स्ट क्या निकल जाएगा हमारे पास H2O, ठीक है। ये क्या बन जाता है हमारे पास यहां पे सल्फर सोल बन गया और ये क्या बन गया हमारे पास H2O, ये 2 कर दो, यहां पे भी 2 कर दो, यहां पे ये 2 आ गया, ठीक है। यदि हम यहां पे 2 कर रहे हैं देखो तो ये क्या आ जाएगा 3S, ठीक है। और इसको बैलेंसिंग करनी है देखो 2 2 4, यहां पे एक मिनट है ना, यहां पे क्या आ जाएगा देखो 4 2, और ये यहां पे 2 2 2 सल्फर ये आ जाएगा ना S2, और कितने आ गया हमारे पास 6, तो ये 6 सल्फर आ गया। और इसको हम ऐसे SO2 2S2 2H2S और 3S और 2H2O ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे SO2 और यहां पे क्या आ जाएगा देखो 2H2S और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3S और ये 2H2O, ठीक है। और ये ऐसे करके हमारे पास देखो सल्फर सोल जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है बाय ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन के बाद आ जाती है रिडक्शन। रिडक्शन से अब देखो रिडक्शन मेथड से, रिडक्शन से कैसे हमारे पास सोल की फॉर्मेशन होती है। हाँ, इसमें एक और देखो ऑक्सीडेशन में एक और चीज बताऊं मैं, जैसे ब्रोमीन वाटर एक्वस में इसको लेके भी आप H2S ये दे दिया, ठीक है, Br2 ब्रोमीन वाटर, इसका ही दूसरा मतलब Br2 के साथ भी ले सकते हैं आप। इसकी यदि ऑक्सीडेशन हो रही है देखो, ऑक्सीडेशन करेंगे यहां पे क्या बन जाता है सल्फर सोल बन जाएगा और 2HBr जो है निकल जाता है, ओके। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, दिस इज द सल्फर सोल बाय ऑक्सीडेशन, ओके। एंड देन नेक्स्ट देखो हमारे पास सी पॉइंट पे रिडक्शन, यदि हम रिडक्शन करते हैं रिडक्शन से भी आ जाती है वाई रिडक्शन, रिडक्शन से भी सोल की फॉर्मेशन हो जाती है AuCl3 प्लस SnCl2 इसके साथ यदि हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, गोल्ड सोल, देखो Au गोल्ड है ना, ये AuCl3 आयोडाइड क्लोराइड आ जाता है और यहां पे AuCl3 प्लस SnCl2 यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है देखो Au गोल्ड सोल, कौन सा सोल बन जाता है गोल्ड सोल प्लस SnCl4 इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी आपने वैलेंसिंग कर देनी है, यहां पे यदि आप 2 करते हैं ये 3 आ गया, ठीक है, 3SN ये 2 और ये क्या आ जाएगा 3 4 ये 6 हो गया ना 12 और ये 12 और ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास रिडक्शन से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो हमारे पास रिडक्शन के बाद हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस से भी इसकी फॉर्मेशन होती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे देखो, जैसे हम क्या देते हैं FeCl3 इसको देते हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं, यहां पे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऊपर आपने रिडक्शन लिखना है यहां पे, ओके। तो ये क्या जाता है हमारे पास रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस की इसकी। तो यहां से कौन सा सोल बन जाता है देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH थ्राइस आ जाता है,
ठीक है, और प्लस क्या निकल जाता है देखो, ये H2O जो है ये बन जाता है, ठीक है। तो ये बाई हाइड्रोलाइसिस से, ये सोल बाई हाइड्रोलाइसिस से बन जाएगा, ये आयरन का फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये तो थे हमारे पास केमिकल मेथड, ठीक है। और दूसरे अलग से मेथड आते हैं हमारे पास, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कौन सा मेथड है, देखो डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसको मिटाई देते हैं नेक्स्ट, ये आपको लग गया ना पता, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एग्रीगेशन मेथड और केमिकल मेथड। इसमें हम भाई केमिकल रिएक्शन से मतलब रिएक्टेंट में कुछ एक जो सुटेबल रिएजेंट है उनको लेके हम डबल डिकम्पोजिशन से, देखो ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से मैंने दो मेथड्स बताए आपको ये ऐसे करके, और रिडक्शन से और हाइड्रोलाइसिस से कोलोइडल सोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ये एग्रीगेशन मेथड और इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं हम, और केमिकल मेथड्स है। सेकेंड क्या आ जाते हैं हमारे पास, देखो डिसइंटीग्रेशन मेथड, ओके। तो नेक्स्ट देखो, डिसइंटीग्रेशन मेथड जो है वो कैसे होंगे, डिसइंटीग्रेशन मेथड सेकेंड मेथड है डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब देखो डिसइंटीग्रेशन मेथड में हमारे पास फर्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ठीक है। इसको समझना है देखो आपने, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड मैं इन शॉर्ट सिंपल बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक आर्क मेथड जो है ये जनरली मेटल सोल जस्ट लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इसमें हम करते क्या है देखो, कोलाइडल सोल जो बनेगा, डिसइंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, एग्रीगेशन ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ टूटना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में हम क्या करते हैं देखो, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में यहां पे आपने ऐसे करके इसका जो ऑपरेटर सिस्टम है देखो ऐसे करके होगा, ठीक है। यहां पे इसके अंदर हम क्या कर देंगे देखो, आइस जो है ये आइस भर दी हमने, आइस क्यूब्स है, ये क्या जाते हैं हमारे पास आइस है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे देखो, एक और वेसल जो है वो ऐसे करके रख देंगे, ये पार्टीशन हो गए, ठीक है, दीज आर द आइस, ये क्या ले लिया हमने आइस ले ली, ठीक है, ये आइस क्यूब्स है। इसके अंदर हम क्या ले लेंगे देखो, सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम, क्या ले लेंगे, कोई भी डिस्पर्शन मीडियम जो उसको ले लिया हमने, ये दिस इज द डिस्पर्शन मीडियम, ये डिस्पर्शन मीडियम ले लिया। तो अब देखो जो डिस्पर्शन मीडियम है हमारे पास ये, इसमें हम क्या करेंगे देखो, इलेक्ट्रोड को इसमें इमर्स करेंगे, ठीक है, इसमें डुबो देंगे हम इलेक्ट्रोड को, मेटल इलेक्ट्रोड को जिसका हमने सोल फॉर्म करना है। यदि हमने सिल्वर का सोल फॉर्म करना है तो सिल्वर रॉड को यहां पे जाके एज ए इलेक्ट्रोड डीप कर देंगे, या हम गोल्ड सोल की फॉर्मेशन करेंगे तो गोल्ड रॉड जो है वो उनको हम ऐसे करके डीप कर देंगे, ठीक है। जब हम यहां पे इसको डीप करते हैं देखो, दीज आर द गोल्ड रॉड, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास ये, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, दीज आर द इलेक्ट्रोड, गोल्ड इलेक्ट्रोड है ऐसे, ठीक है, इनको हाई वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया, इनको क्या किया हमने हाई वोल्टेज और गोल्ड गोल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों ही है इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक्ट करेगा, एक क्या करेगा कैथोड एक्ट करता है। अब आगे देखिए क्या होता है, कैसे इसमें सोल की फॉर्मेशन होती है। जब हम यहां से क्या करते हैं देखो, हाई वोल्टेज में करंट देते हैं, हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिक करंट को यहां से पास करते हैं, इधर से इलेक्ट्रोड से,
तो क्या होता है, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। यहां पे क्या होगी, देखो ऐसे 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 करके ये इलेक्ट्रिक आर्क जो है ये प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक आर्क, इसी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से इसको नाम क्या दिया, देखो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक करंट जो वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब यहां पे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी, ध्यान से सुनना देखो, जब यहां पे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रही है तो यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये मेटल जो है ये वेपोराइज होने लगेगी, मेटल क्या होने लगेगी, मेटल जो है वो मेल्ट होने लगेगी, वेपोराइज होने लगेगी, ठीक है। मतलब मेटल क्या होने लगेगी, देखो मेल्ट होके वेपोराइज होने लगेगी, ठीक है। मेटल मेल्ट हो जाएगी बाय हाई टेम्परेचर से, ठीक है। तो टेम्परेचर से देखो, माना ये गोल्ड रॉड है, देखो ये क्या कर रही है, ये ऐसे ऐसे करके देखो ये मेल्ट हो रही है, और इसके जो हमारे पास मेटल है हमारे पास, ये क्या कर रही है, देखो मेल्ट हो रही है, और गोल्ड के जो पार्टिकल्स है वो ऐसे करके आ रहे हैं ये, ठीक है। गोल्ड वेपोराइज हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो वेपोराइजेशन होने की वजह से अब आप कहेंगे कि ये आइस क्यों ली हुई हमने, ठीक है। अब ये आइस जो ली है हमने, आइस क्या करती है, देखो जो मेटल है हमारे पास ये वेपोराइज हो रही है, जो मेटल क्या हो रही है, वेपोराइज हो रही है, उन मॉलिक्यूल्स को, गोल्ड के जो मॉलिक्यूल्स है उनको क्या कर रही है, ये कंडेंसेशन कर रही है। पहले देखो ये वेपोराइज हो रहा है ना, ये आइस क्या करती है, देखो यदि हम आइस नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, देखो आइस नहीं होगी तो क्या होगा, ये डिस्पर्शन मीडियम में आएंगे और कुछ वेपर्स बन के, ज्यादा टेम्परेचर होगा और गोल्ड जो वो वेपर बन के ही उड़ जाएगा, इधर से यहां से निकल जाएगा और सोल की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो यहां से इन मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, कंडेंस हो जाते हैं और ये डिस्पर्शन मीडियम में ही रह जाते हैं ऐसे करते, ठीक है। और इनका साइज जो आ जाता है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बराबर आ जाता है, कितने, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। तो इस वे में देखो एक सोल की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, क्या बन जाता है हमारे पास, एक सोल जो है ये बन जाता है, मेटल सोल जितने भी बनेंगे वो इस मेथड से ही बनेंगे, ठीक है। तो आपने देखो अभी लिखना है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड के बारे में ही, इज इन्वॉल्व्ड, दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम, ओके। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड between the metal electrode immersed in किसमें immersed होंगे, immersed in stable medium, या dispersion medium भी बोल सकते हैं। The intense heat produced vaporize the metal, and after
condensation, it will convert into colloidal zone, colloidal size, है ना, colloidal size particles, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड जो है याद आता है, इसी इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देते हैं तो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में कौन कौन से ये सोल जो है इनकी फॉर्मेशन होती है, गोल्ड सोल, ठीक है, सिल्वर सोल और प्लेटिनियम सोल, इनकी फॉर्मेशन होती है। आपने इसकी वीडियो देखनी है देखो तो आप इजीली यूट्यूब में जाओ और उसमें क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिक आर्क मेथड ही डालना है आपने, ठीक है, वहां पे वीडियो देखनी है इसकी, ठीक है, कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, तो वो आपको वहां पे भी आप इजीली समझ जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। नेक्स्ट एक है देखो हमारे पास, नेक्स्ट इसका ही मेथड है पेप्टाइजेशन। क्या जाता है? पेप्टाइजेशन। पहले इसको लिख लेते हैं, देखो मैं पेप्टाइजेशन को समझाऊंगा। पेप्टाइजेशन जो है क्या होती है, देखो पेप्टाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल by freshly prepared by adding precipitate into suitable dispersion medium, ठीक है, ये suitable dispersion medium में हम इसको क्या कर देते हैं, देखो add कर देते हैं by adding, यहां पे आप ये लिख सकते हैं and small amount of electrolyte and by adding, जैसे करके लिखो, है ना, and by adding small amount of electrolyte, तो इसको मतलब peptization में क्या करते हैं, हम freshly prepared precipitate को convert करते हैं किसमें, colloidal size particle में, by adding स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड कर देंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, देखो पेप्टाइजेशन, या आप सिंपल इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ऐसे करके मैं दोबारा एक और डेफिनेशन बता रहा हूं इसका इजिएस्ट वे में, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इंटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय एडिंग freshly prepared precipitate into a suitable dispersion medium and by adding small amount of electrolyte, ठीक है, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, peptization, और peptization में for example देखो आप इसका एक example लिख सकते हैं, देखो peptization का यदि हम क्या लेते हैं, देखो FeOH3, ये लिए इसके precipitate लिए, देखो precipitate of this, ये colloidal zone था हमारे पास, ऊपर बताया था हमने हाइड्रोलाइसिस में FeOH3, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर, यहां पे देख लो ये FeOH3, ठीक है, प्लस इसमें हमने क्या कर दिया, देखो FeCl3, ठीक है, FeCl3 ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है या डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, मतलब इस प्रेसिपिटेट में ये इलेक्ट्रोलाइट है और डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है FeCl3 को, इसको ऐड कर देते हैं, देखो
तो यहां से किसकी सोल की फॉर्मेशन हो जाती है, एफ ई ओ एच थ्राइस, ठीक है, ये ऐसे करके, और एफ ई पॉजिटिव, इस सोल एफ ई थ्री पॉजिटिव या पॉजिटिव, एफ ई थ्री पॉजिटिव कर दो, ये इस टाइप के सोल की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस सी एल थ्री, ये नेगेटिव थ्री सी एल थ्री नेगेटिव जो है ये इसकी क्लोराइड आयन जो ये निकल जाता है, ये क्या बन गया हमारे पास, देखो कोलोइडल सोल बन गया, ठीक है। तो ये पेप्टाइजेशन है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पेप्टाइजेशन, मैं यदि सिंपल बोलूं तो कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन कैसे होती है पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि अब मैं इसको बिठा दूं थोड़ा सा, यहां पे हम पेप्टाइजेशन का करेंगे, देखो तो पेप्टाइजेशन जो होती है वो कैसे होती है, माना देखो ये क्या है हमारे पास, देखो प्रेसिपिटेट है, क्या है ये प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, ठीक है। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पे जब यहां पे डिस्पर्स्ड हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, आयन ऑफ, देखो आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, यहां पे जाके आ गया ये, ठीक है, डिस्पर्स हो गया ये। तो जब इसकी डिस्पर्शन हो गई तो क्या हुआ, ये देखो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइंस, ठीक है, क्या हो गया, देखो इट गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रेसिपिटेट की क्या हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, ये प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आफ्टर ब्रेकिंग इसका साइज जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो करके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, देखो हमारे पास कोलाइडल सोल की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं, प्रेसिपिटेट सॉलिड में होगा, जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस और मॉलिक्यूल्स कहां पे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में जब इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में आयंस की फॉर्मेशन कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देगा, और यहां पे इसकी क्या हो जाती है, फिर ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है, ये टूट जाएगा प्रेसिपिटेट, और ये किसमें घुल जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है उसमें घुल जाएगा, और कोलाइडल साइज पार्टिकल जिनका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर टू किसके बीच में होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल जो होती है, कोलाइडल सोल में इंप्यूरिटीज क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोलाइडल सोल में यदि इंप्यूरिटीज देखिए, कोलाइडल पार्टिकल के साइज से बड़े साइज की होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल फिल्ट्रेशन से हम उसको निकाल सकते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर लगाओ, कोलाइडल सोल उसमें से पास हो जाएगा, और जो इंप्यूरिटीज जो कोलाइडल साइज के 1000 नैनोमीटर से बड़ी है वो फिल्टर पेपर में भी पास नहीं करती है, तो वो इंप्यूरिटीज बाहर रह जाएगी और कोलाइडल सोल जो है वो अलग हो जाएगा। यदि उसमें होगी बड़े पार्टिकल्स जिनका साइज जो होगा 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। अब कोलाइडल सोल में देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो कोलाइडल सोल है उनकी प्रिपरेशंस में हम इलेक्ट्रोलाइट को भी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, एज ए डिस्पर्शन मीडियम हम यूटिलाइज करते हैं। अब वहां पे छोटे छोटे से पार्टिकल्स, मतलब नैनो पार्टिकल्स होते हैं, या हम बोलेंगे देखो क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, क्या होते हैं क्रिस्टलॉइड, ट्रू सोल्यूशन में ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स या क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से भी पास हो जाते हैं, ठीक है।
अब इलेक्ट्रोलाइट होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइट भी लिक्विड में होंगे। कोलोइडल सोल जो है वो जब हम प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी यूटिलाइज होता है, तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट के आइंस जो होते हैं ठीक है वो भी क्या करते हैं एज ए इंप्यूरिटीज का काम करते हैं उधर, ठीक है। उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंट मेथड्स लगाते हैं उसी कोलोइडल सोल की प्यूरिफिकेशन, ताकि हमको प्योर कोलोइडल सोल जो है वो मिले। तो इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास देखो, जैसे मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल, देखो ब्लड होता है हमारे पास, ब्लड भी क्या है कोलोइडल सोल है। ब्लड में कई टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स या इंप्यूरिटीज जितनी भी होगी वो प्रेजेंट होती है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो डायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो कोलोइडल सोल की प्रिपरेशन के लिए जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो कौन सा आ जाता है, देखो डायलिसिस। ओके, और इंपॉर्टेंट है डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस, इन दिस या सिंपल लिखो, इट इज द ऐसे करते हैं ना, इट इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल फ्रॉम क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइट्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स है ना, क्रिस्टलाइट्स वाई मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बाई मीन्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोलोइडल सोल इन सुटेबल मेम्ब्रेन, इन सुटेबल या इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या इन पार्चमेंट पेपर भी बोल सकते हैं हम, इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस। दिस मेथड इज यूज्ड, या दिस प्रोसेस कुछ भी लिख लो, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ब्लड, ठीक है। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम किसको यूटिलाइज करते हैं, देखो डायलिसिस मेथड को यूटिलाइज करते हैं। अब डायलिसिस के लिए देखो, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम के लिए इतना ही है। और जो डायलिसिस के लिए अपरेटस देते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डायलाइजर। क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलेंगे। अब सिंपल सी देखो, ऐसे करके मैं एक ये ऐसे करके डायलाइजर देखो ऐसे करके बनाया हुआ होगा ये, ठीक है। इसमें हमने एक के लिए देखो पार्चमेंट बॉटल या मेम्ब्रेन बैग बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, मेम्ब्रेन बैग या पार्चमेंट बैग जो है वो आ जाता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बैग। और इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होगा ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन। यहां से हम क्या करेंगे, देखो वाटर पास करेंगे, फ्रेश वाटर, ठीक है, यहां से ये वाटर निकलता रहेगा, ठीक है, बाहर को एग्जॉशन है इसकी। तो ये वाटर आ गया, ठीक है, वाटर में कोलाइडल जो बैग है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन बैग है, इसको हमने डिस्पर्स कर, इसमें इमर्स कर दिया, ठीक है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये। अब जिस सोल को हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उस सोल को हमने यहां पे ले लिया, दिस इज द कोलाइडल सोल, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, दिस इज द कोलाइडल सोल, ओके। अब ये कोलाइडल सोल है, देखो इस कोलाइडल सोल में जो इंप्यूरिटीज है वो हमारे पास ये है, देखो दीज आर द इंप्यूरिटीज, ओके। और इन इंप्यूरिटीज का जो साइज है वो क्या है,
लेस देन 1 नैनोमीटर है, ये दीज आर द इंप्यूरिटीज, ठीक है, ये इंप्यूरिटीज आ जाती है। अब इंप्यूरिटीज का साइज जो है, इनका साइज क्या होगा, नॉर्मली लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम इनका साइज होता है। अब होता क्या है, देखो जब हम वाटर को यहां से पास करेंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर, इसको ये मेम्ब्रेन बैग है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे ये पास नहीं करते हैं मेम्ब्रेन बैग से, ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो पास नहीं करेंगे, और जो ये क्रिस्टलॉइड्स हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, देखो मेम्ब्रेन बैग से बाहर आ जाएंगे, ऐसे करके यहां से ये क्या आ जाएंगे, देखो बाहर आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टलॉइड्स, इनको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टलॉइड्स बोलेंगे, ये छोटे छोटे से साइज के पार्टिकल्स है, ये बाहर आ जाएंगे जब हम यहां से वाटर को पास करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, देखो वाटर से होके यहां से होके निकल जाएंगे बाहर, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहां पे क्या रह जाएगा, ओनली कोलाइडल सोल ही रह जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। क्या होती है ये, डायलिसिस होती है। आपने ये किए डायग्राम बनानी है और इतना सा लिख रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लड की प्यूरिफिकेशन में ये यूटिलाइज होती है, तो ये डायलिसिस आ जाती है हमारे पास। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसमें ही देखो इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है, सेम ये दोनों ही इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस। तो इलेक्ट्रो डायलिसिस जो है वो कैसे होगी, देखो अब ये मेथड जो था, जो डायलिसिस मेथड था, ये क्या था, स्लो मेथड था, ठीक है, इसी मेथड को फास्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे लगा दिया, ठीक है। जब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, ये आपको लग गया ना, बता इलेक्ट्रो डायलिसिस, देखो डायलिसिस मेथड क्या होता है, स्लोएस्ट स्लो प्रोसेस होता है। अब डायलिसिस को ही फास्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पे जाके लगा दिया, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड को यहां पे जाके लगा देते हैं, मैं इसमें ही अमेंडमेंट कर रहा हूं यहां पे, ये देखो ये इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है ऐसे करके, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड और कैथोड। जब हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट देंगे इसको, तो क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, कोलाइडल सोल में इलेक्ट्रोलाइट एज ए इंप्यूरिटीज होते हैं, एज ए क्रिस्टलाइट होते हैं, और उनमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, पहले क्या था, देखो जब हम यहां पे इलेक्ट्रोड नहीं लगा रहे थे ये, तो क्या हो रहा था, ये अपने आप ही, ये जो है ये आयंस जो है वो अपने आप ही स्लो प्रोसेस में बाहर आ रहे थे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट यहां पे ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, देखो ये एनोड है और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैथोड है। तो क्या होगा कि देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, तो ये क्या करेगा, यहां पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट के आयन है हमारे पास, माने ये नेगेटिव आयन है, ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा हमारे पास, ये क्या करेगा, यहां से नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हुई, पहले क्या था, देखो ये अपने आप निकल रहा था, अब ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, यहां से नेगेटिव आयन जो है वो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, फास्ट हो गया। ऐसे ही देखो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो इस साइड को चले जाएंगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। तो आपने इसमें सिंपल क्या लिखना है, देखो डायलिसिस इज ए स्लो प्रोसेस, टू मेक इट फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायलिसिस मेम्ब्रेन,
जो डायलाइजर होता है, डायलिसिस मेम्ब्रेन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लगा देते हैं, तो करके क्या होगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। अब ये फास्ट निकलेंगे, फास्ट निकलने से ये बाहर निकल जाएंगे और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस का। मेरे ख्याल से आप अपने आप लिख लेंगे इसको, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, चलो लिखना है तो लिख लो। देखो, डायलिसिस इज ए स्लो प्रोसेस टू मेक इट फास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इज अप्लाइड अराउंड, बाई इमर्सिंग इलेक्ट्रोड इन या अराउंड द मेम्ब्रेन बैग भी लिख सकते हैं आप, इन डिस्पर्शन मीडियम या मीडियम क्या है, ऐसे सिंपल लिखो, इन अराउंड मेम्ब्रेन बैग, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, देखो ये जो पार्टिकल्स है, क्रिस्टलॉइड्स जो थे, इंप्यूरिटीज जो थी, वो फास्टली बाहर आ जाएगी और ये प्रोसेस क्या हो जाता है, देखो हमारे पास ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। यदि आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस आए तो आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, नहीं तो डायलिसिस के लिए जो ये इलेक्ट्रोड जो लिए है ये नहीं लेने आपने। ठीक है, थर्ड मेथड आ जाता है हमारे पास, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है, कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, देखो सिंपल फिल्टर पेपर जो होते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर होगा उसमें पोर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, थोड़े पोर्स का साइज जो है, माने ये देखो सिंपल फिल्टर पेपर है, इसमें पोर्स क्या होंगे, थोड़े बड़े बड़े होंगे ऐसे करके। ठीक है, ये पोर्स है माना ये, ठीक है, ये पोर्स देखो, ये क्या है, इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं, इन ये फिल्टर पेपर है हमारे पास। अब इसमें पोर्स क्या है, मैंने क्या बोला, देखो थोड़े बड़े हैं, ठीक है, इन पोर्स में से यदि हम कोलाइडल सोल को यहां पे डाल देते हैं, मैंने स्टार्क सोल को डाल दिया, कौन सा सोल डाल दिया, देखो स्टार्क सोल, ठीक है, स्टार्क सोल जो है ये डाल दिया, तो स्टार्क सोल के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो सिंपल फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल फिल्टर पेपर में से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पूरे का पूरा स्टार्क सोल जो यहां से निकल जाएगा, ऑनली इंप्यूरिटीज क्या बचेगी, जिनका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, कोलाइडल पार्टिकल से भी ज्यादा होगा, वो यहां पे फिल्टर पेपर में से भी क्रॉस नहीं होगी, वो बचाएगी इंप्यूरिटीज। और जो छोटी छोटी इंप्यूरिटीज है, जो क्रिस्टलॉइड्स मैंने अभी बताया, वो भी क्या कर देंगे, देखो कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ ही निकल जाएंगे और कोलाइडल सोल की प्यूरिफिकेशन नहीं होगी। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या किया, देखो ये जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, अल्ट्रा कर दिया। ठीक है, अल्ट्रा मतलब क्या किया, देखो इसको कोई और सॉल्यूशन में डीप करके, जैसे सिंपल फिल्टर पेपर को यदि हम जेलेटिन सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उसके जो पोर्स होते हैं, देखो ये पोर्स जो है ये क्या हो जाएंगे, अब भर जाएंगे, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या किया, देखो फिल्टर पेपर को जेलेटिन सोल में डाल दिया, ठीक है, और गम एरेटिक में डाल दिया, तो फिल्टर पेपर में से जो पोर्स है ये पोर्स क्या हो जाएंगे, अब बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो हो जाएंगे पोर्स, तो अब हम यदि स्टार्च सोल को डालते हैं तो जो स्टार्च के जो सोल के पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल, अब वो पास नहीं होंगे।
ठीक है, मतलब सिंपल फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, देखो किसी जेलेटिन सोल में या जेलेटिन सॉल्यूशन में उसको इमर्स कर देंगे तो उसके जो पोर्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, उनका साइज कम हो जाता है और जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो यहां से पास नहीं होंगे। ठीक है, तो इस फिल्टर पेपर को क्या बोलते हैं हम, ये स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर होंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल देखो, यदि आपने घर में ही बनाना है, देखो आपको जेलेटिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, देखो जो चावल का पानी होता है ना, चावल बनाते हैं हम, चावल का जो पानी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लुगड़ी भी बोल देते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, देखो फिल्टर पेपर को उसमें चावल का जो, जब चावल बनाते हैं ना उसके ऊपर जो पानी रहता है उसको हमने क्या किया, उस फिल्टर पेपर को उस पानी में डाल देंगे या कोई गम वगैरह में उसमें डाल देंगे तो उसके जो पोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। तो उससे भी हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को क्या कर सकते, नहीं जो कोलाइडल सोल है उसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और एक आ जाता है देखो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपने इतना ही करना है, ये मेथड्स जो प्यूरिफिकेशन के लिए है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। ठीक है, नो नेक्स्ट हम करेंगे कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।